Order, order, order! इस अदालत के सभी पात्र काल्पनिक हैं, सिवाय हमारे गेस्ट के। और आज की टॉप की अदालत में मुकदमा है इंडिया'स बेस्ट डांसर के जजेस मलाइका अरोरा, टेरेंस लुइस और गीता कपूर पर। तो इस अदालत की जज होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। बिना देरी के कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। जी। एए, 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 इतना जोर से गरजने की जरूरत है ये? मुझसे ज्यादा जोर से कोई नहीं गरजेगा। आए, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत खुश हूँ। आप तो कुछ लेकर आया हूँ। आप जरा इसे प्लीज पकड़ेंगे? हाँ पकड़ूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं टेरेस पे कपड़े सुखा रहा हूँ। कैसा लगा आप लोगों को मेरा जोक? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। वाइट मो। आप अदालत में ये सब करने आए वकील साहब? बिल्कुल नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि आज मैं यहाँ पे मलाइका जी का ऑटोग्राफ लेकर जाऊंगा। ये आपके बाल से आप क्या निकाल रहे हैं? कागज निकाला है उन्होंने अंदर से। और पेन भी इधर है। आप मुझे ऑटोग्राफ देंगी प्लीज? वकील साहब आप चलती अदालत में ऑटोग्राफ नहीं ले सकते। कागज के टुकड़े पे अगर मुझे साइन नहीं मिलेगा तो क्या मेरी ट्रेन में छैया छैया नहीं होगा? और जज साहब आप भी मेरी बात सुन लीजिए, जिनके सरों इश्क की जाओ पाव के नीचे जन्नत होगी। बस बहुत हो गया। ओह नो गॉड, आर यू सीरियस? मजदूर मजदूर वकील साहब, वकील साहब, 2.5 किलो का था। फालतू की बातें छोड़िए और मुद्दे पर आइए। ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था कि मुद्दे पे आना है, मैं तो ऑटो पे आ गया। सबसे पहला इल्जाम मैं यहाँ पे टेरेंस जी पे लगाना चाहूंगा। अच्छा। आप पे इल्जाम है कि ये देश जहाँ पे लोग टेम्पररी डांस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ आप कंटेम्पररी डांस सिखा रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी? टेरेंस का जवाब दो। मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि इनकी नृत्य कला को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। ऐसे मत करो। हेलो, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कहते हुई मेरी बीवी को फोन करने की? बदतमीज, हिम्मत है तो फोन उठा। बदतमीज। ओ हो, इंडियाज बेस्ट डांसर आए हैं। हेलो मलाइका। हेलो जी। हेलो, मुझे पहचाना आपने? जी नहीं। आप? मैं आपका अरोड़ा। आपका अरोड़ा? मैं मलाइका अरोड़ा, माय सेल्फ ब्रजेश अरोड़ा। मैं पहाड़गंज दिल्ली से आया। लेकिन यहाँ पे हॉटी क्यों लिखा है? अब हूँ तो क्या करे। ओए तू भी फैटी लिखाया कर। हेलो, मैं आपका बहुत ज्यादा फैन हूँ। अच्छा। आपके लिए एक मेरी अर्ज है, आप गर्मियों में टेरेस पे मत जाया करें, बिकॉज वहां पे लू इज वेरी हाई। हेलो गीता, विल यू मैरी मी? यस। अगर आपका इंट्रोडक्शन हो गया हो तो केस की कार्यवाही शुरू करें। एक मिनट बेटे, चलो उठो यहाँ से, चलो। hey, hey. ये बच्चों के बैठने की जगह नहीं है ये, चलो यहाँ से हटो। आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मैं सिद्धू साहब का बदला ले रहा हूँ। एक लेडी ने उनकी कुर्सी छीनी थी, मैं भी एक लेडी की कुर्सी छीन के उनका बदला ले रहा हूँ। ओपन एंड शट अप केस, समझी? तुम थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाओ। आप ऐसे किसी चलते शो में जज को चेंज कर सकते हैं? इस शो के चक्कर में बड़े लोगों ने अपने जेंडर चेंज कर लिए बेटा, इसमें कुर्सी चेंज करने की कौन सी बात है? मैं खैर गीता जी आपके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ, आई लव। आगे? तुझे सब है पता गीता माँ। माँ? क्या ये संगीत का सियासी खेल खेला जा रहा है? चल क्या रहा है? ये आदमी अपनी बेकार की बातों से अदालत को बरगला रहा है। नकली सनी देओल साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कह दो। कि आपके चेहरे पे 2008 के तहत अथू। और याद रखना
मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जज साहब आप अपनी अंताक्षरी बंद कीजिए और मिस्टर टेरेंस पे जो इल्जाम लगा है उसका जजमेंट दीजिए आप। हाँ तो तमाम सबूतों और गवाहों को नजरअंदाज करते हुए ये अदालत टेरेंस को सपोर्ट करती है। आप चाहे टेरेंस पे नाचे या जमीन पे नाचे, चाहे तो आप इस कुएं पे भी नाच सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा दिमाग खराब है, अभी मेरा निकल जाता। मुझे तो लगता है कि ये अदालत बिकी हुई है। ये क्या तरीका है? क्या यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं है? क्या हुआ बाबा? नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ धर्म सिंह नकली। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ये क्या होता है, ये क्या कर रहा है तू? इतनी बार कहा ये सब, घर की हरकतें बाहर मत किया कर। एक बात हुई पापा, घर की हरकतें मैं बाहर नहीं करूं, बाहर की हरकतें मैं घर पे नहीं करूं, तो मैं करूं तो करूं क्या? उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। सातों को सात मारूंगा, एक सात मारूंगा। सारे डायलॉग यही बोल दे, सब यही बोल दे। सब यहाँ बोल दे, फिर ये बाद में नहीं बुलाएगा। गिरगिट कहीं का? ओ बाप रे। टेरेंस। आदरम पाजी। कैसे हो? ठीक हूँ पाजी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके ऊपर कपड़े सुखा सकता हूँ? बाबा, बाबा ये वाला जोक मैंने आते ही सुना दिया था। सुना दिया? सुना दिया। अच्छा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। बाबा ये वाला भी सुना दिया मैंने। हाँ तो सुना दिया तो क्या हुआ, उस पे हाथ नहीं रख सकता क्या मैं? बोलेगा या रखेगा भी? गीता, गीता, आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है। क्या? तुझे सब है पता। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ, ये ठीक नहीं चल रहा। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ। सारी लाइनें तू बोल चुका है, सारे जोक ये सुना चुका है। मैं क्या यहाँ पे बेबी डॉल में सोने दिए करने आया हूँ? बात कर रहा हूँ। मैं हंग्री मैं जा रहा हूँ पापा। मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ, लेकिन रिलेशन वाइज ये मेरा पापा है। अच्छा। पापा बेटा खुश रहो। एक मिनट, मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अनपढ़ जाहिल गवार मिनिएचर औरत। बकवास भी बताया ना मैंने तेरे को, कहा मत बोलना भी। रिलेशन वाइज मैं इसका पापा हूँ। अच्छा। नहीं, ये मेरा पापा है। मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ। इसे पापा की आवाज निकालनी नहीं आती, इसलिए बेटे की आवाज निकाल रहा है। और मुझे बेटे की नहीं आती, इसलिए पापा की। इस हिसाब से ये मेरा बेटा पापा हुआ। आई लव यू बेटा पापा। आई लव यू बेटा पापा। आई लव यू पापा बेटा। आई लव यू बेटा पापा। आई लव यू पापा बेटा। कोई तो बोलो आगे किसका है। मुझे ये लगता है ये नकली धर्म जी पी के आया। दिस इज ओपन एंड ड्रंक केस। मैं अदालत से इसकी जांच की मांग करता हूँ। मिलोट, मिलोट कहाँ है? ये क्या कर रही? नाम बोलिए। अमिताभ बच्चन। बाबा ये क्या कर रहे हैं, इसमें अपना नाम बोलना होता है? अरे अपना नाम बोले मैं फंस जाऊंगा। अमित जी पिते नहीं, उनका मैंने बोल दिया। This is open and confused case. मैं चाहता हूँ तुम दोनों अपने पेरेंट्स को लेके सोनी टीवी के ऑफिस जाओ और फिलहाल तुम मुर्गा बनो। या बेसिकली दिस इज नॉन वेज केस। बाबा यार मैं लगातार नॉन वेज बातें कर रहा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस जज को बदल के मेरे पापा को जज बना दिया जाए। अरोरा साहब, मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। चुप, पेंदी के लोटे।
पेंदी के लोटे। पेंदी का लोटा क्या होता है? बेपेंदी का लोटा होता है। तू खुद का पेंदा देख, ये बिन पेंदी का हो सकता है? ऐसे कैसे मुझे सस्पेंड किया जाता है? जैसे आपने मुझे सस्पेंड किया वैसे, और हम दोनों का वोट नकली धर्म जी के लिए। तो मैं जनता से वोट मांग लूंगा। जनता, अगर आपको मनोज तिवारी का गाना पसंद आया तो आप मुझे वोट कर सकते हैं। आप मनोज तिवारी के गाने में कैसे वोट मांग सकते हैं? अच्छा, मनोज तिवारी मेरे एरिया में जाके दिल्ली वोट मांग सकता है, मैं उसके गाने पे वोट नहीं मांग सकता। क्या बात है? हाँ, और ज्यादा बोलेगी तो मैं झाड़ू मार दूंगा। इसी बात से क्रोधित हो के मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ और तुम उस इस्तीफे पे पाद दो। एक ऐसा काम है। ये कैसा काम? ओ बाप रे, क्या बकवास, नीट पानी रखा हुआ है। नीट नीट पानी। आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे सीट मुझे कुर्सी मिली है। आज शाम को पार्टी। नीचे वाले फ्लोर पे सारे मर गए। जज साहब, केस की कार्यवाही शुरू कीजिए, आप जज हैं। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ग्लास सॉल्टेड पीनट खींचा पापड़ से मंगवाया जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अदालत में? कम से कम गिलास तो तीन मंगवाओ। तीसरा किसके लिए? तुझे सब है पता है गीता माँ। पता है आप लोग कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने वाले, मैं बढ़ाता हूँ। आप बढ़ाइए। अगला इल्जाम मैं लगाना चाहूंगा गीता माँ पर। माँ पे इल्जाम लगाता है तू? दुष्ट कहीं के निर्लज, निर्लज दुष्ट अत्याचारी, आम के चारी, नींबू के चारी, माता रानी तुझे पाप लगाएगी। धर्म जी, एक सवाल मेरा आपसे है। आप धर्म जी है तो आप ऐसे जेनिफर लोपेज की तरह क्यों खड़े होते हैं? आप इल्जाम बिल्कुल नहीं लगाना। फ्रॉक जेनिफर लोपेज की दोगे तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा ना मैं। और तू ये क्या गीता पे बार बार इल्जाम लगा रहा है पागल? वो माँ है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उसकी वो फिल्म देखी थी, वो कड़ी फिल्म थी यार, नहीं वो सीता और गीता, तब से मैं इसका फैन हूँ। बाबा ये वो गीता ना, ये गीता माँ है। हाँ तो सीता और गीता माँ देख ली होगी। तू क्या, तू मेरा बेटा है, गोगा कपूर का बेटा है, तू बेइज्जती किए जा रहा है बार बार। I think, my lord, this is open and romantic case. I think, but I am thinking, Geeta. Yes, Hati. आपकी मलाइका मेरी. Let's go for चाहिए चाहिए. चलो चलो. यहाँ क्या मजाक चल रहा है? अदालत है जज साहब. चल हट, चाहिए चाहिए तेरे. मुझे प्यास लगी है. नारियल पानी मंगाओ. और नारियल मलाइका होना चाहिए. नहीं तो मैं हाथ तोड़ दूँगा. कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? ये मजदूर का हाथ है कादिया, और ये 2.5 किलो का हाथ है। अच्छा, कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? सुबह कौन सा इस्तेमाल करते हो? पापा बेटा, क्या आदमी लगातार मेरा मजाक उड़ा रहा है? हाँ तो बातें ऐसी कर रहा है तू यहाँ पे? पागल कहीं का क्या कर रहा है तू? अरे मेरा गुगलू मुगलू, मेरा यमलू पगलू, क्या यमलू बेटा? सुनियो, कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा है, खुल के इल्जाम लगा, खुल के तुझे जो करना मेरा गुगलू। नारियल की गिरी खाएगा मेरा बेटा, मैं खिलाऊंगा। बाबा, आज रात को मैं आपके साथ तो होऊंगा। हाँ मैं मैनेज कर लूंगा बेटा, क्यों नहीं? क्यों नहीं बेटे? धर्म जी, आज अगर रात को ये आपके साथ सोएगा तो इसको रजाई का डायपर बना के पहनाना, नहीं तो बाढ़ आ सकती है। ताई गीता माँ, आप मत हंसिए, क्योंकि अगला इल्जाम मैं आप पे लगाने वाला हूँ। ओके। और गीता माँ पे मेरा अगला इल्जाम है,
कि ये अपना जजमेंट देते वक्त इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करती हैं ताकि कोई और वो शब्द बोल ना पाए, जैसे कि स्टूपेंडर पैडलियस फडलियस फडलियस। वाह बेटा वाह, तूने जो ये बात कही है ना वो मुझे यहाँ नहीं यहाँ लगी है बेटा। ऐसी फालतू की बकवास सुनने के बाद अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि कुछ भी कर लो इसका कृष्णा निकल जाता है। आई, आई, ये कृष्णा नहीं ये गोविंदा कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट ही हो गया फिर। ऐसे थोड़ी बोलता है कि उसको गोविंदा की सिवाय कुछ आता नहीं, ऐसे बोल सकते। देखा बाबा, अपना मजाक उड़वा लिया ना आपने, आज मुझे कितनी इंसल्ट महसूस हुई है। क्या बोला तूने? मुझे इंसल्ट महसूस हुई है। महसूस भाई ये सब क्या होता है? मतलब फील हुई है मुझे। अरे सबसे पहले अपना तलम्फुंस ठीक कर। घबराते नहीं बेटा, देख मेहमान आए हैं। देख रहा है मुझे? है ना बेटा? चल दो फलों के नाम बता। नहीं बाबा नहीं, सबके सामने नहीं, इतने सारे लोग हैं मैं नहीं बता सकता। मेहमानों के सामने हमेशा मेरी नाक कटवाता है तू। तुझे संतरे की गोली खानी है ना? वो संतरे गोली खाएगा ना बेचारा। मेरा बेटा खा खा के सूख गया है। बेचारा, आप देख रहे हैं अरोरा साहब, मेरा बेटा खा खा के सूख गया। मैं कहाँ सूख गया हूँ पापा? तू नहीं, खेत सूख गए हमारे बेटा। हाँ बेटा, मेहमान फलों के नाम बता। मैं बताता हूँ। इस दुनिया में दो प्रकार के फल होते हैं, पहला राशि फल और दूसरा राय फल। मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ। ओ गॉड, मुतल्लिम कागज पे जब कलम की जब ना पापा ना ना पापा ना नहीं वाह पापा वाह होता है। ना पापा ना बोल रहा हूँ, ये सब मत सुनाइए, बहुत बेकार है आपकी शायरी, रहने दीजिए। This is open and blast case. एक काम करो, सारी बातें तुम ही कर लो और तू सारे जोक सुना ले, मैं यहाँ पे यमिला ये करने आया हूँ मैं यहाँ पे। बात कर रहे हैं आप धर्म जी, जज बने थे, आपको फैसला सुनाना था। हाँ फैसला हो गया, आप मुझे बिठाओ यहाँ पे, आप जज है बैठे। हाँ फैसला मेरा हो चुका है। फैसला सुनाइए। तुम्हें 4 साल की फांसी जा हट। You will be hanged till death and death till hang. And now it's time for hangover, guys. Come on. गीता, अगर तुम माँ हो तो मैं बाप हूँ। This is open and romance case. चल तैयार तैयार तैयार। अदालत सोनी टीवी को आदेश देती है कि गीता को नए शो में सबसे मखमली सोफा दिया जाए बैठने के लिए। और अदालत की कार्रवाई अगली तारीख से मुतल्लिक होती है। आपने फिर से तारीख दे दी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तूने क्या सुबह गोली नहीं खाई क्या? क्या हुआ तुझे? अरे बाबा सॉरी, बस एक डायलॉग बाकी रह गया था, मैंने सोचा सुना देता हूँ, फ्लो फ्लो में आ रहा था। अरोरा साहब इसका क्या करें बेटे का? चलो तुम्हारा टॉयलेट करने का टाइम हो गया, चलो ठीक है, अगर आपके परमिशन हो तो आप लोगों के साथ हम एक सेल्फी ले सकते हैं। जरूर जरूर, तो प्लीज आइए। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गीता मैम, मलाइका मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत हंसाया, थैंक यू सो मच, बड़ा ब्लास्ट, बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, और आते रहिएगा, पेट दुख रहा है हंस हंस के। आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू सो मच।